चैप्टर का नाम कैपिटल मशीनरी। मैं आपसे यही बोल रहा था, ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है जिसमें इससे क्वेश्चन नहीं है। अगर मैं कहूं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा अगर कोई चैप्टर है तो कैपिटल वेस्टिंग। और अगर आप किसी से बताते हो कि हम पहला चैप्टर कैपिटल वेस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कह के कहां जाकर पढ़ रहे हो बता दो। पहला चैप्टर कैपिटल वेस्टिंग कोई नहीं पढ़ाता है, पर जैसा कि पास्ट बैच में हुआ है, लास्ट में हमने कैपिटल वेस्टिंग उठाया। बच्चे भी जबरदस्त जल्दी में होते हैं, मैं भी जल्दी में होता हूँ, तो बच्चों को समझ में आए चाहे ना आए, हाँ में हाँ लगाते हैं, मैं भी हाँ में हाँ लगा उड़ा देते हैं। तो चलो उड़ाने से पहले अच्छे से इसको कर, ठीक। तो कैपिटल इन्वेस्टिंग इंपॉर्टेंट चैप्टर, ध्यान से बस मुझे जवाब देना। कैपिटल इन्वेस्टिंग आज की आज में खत्म हो जाए। सीए की तरह जवाब देना, आम आदमी की तरह नहीं, सोच समझ के। दो प्रोजेक्ट है, दो बिजनेस है, ए और बी। मैंने कहा यार बिजनेस ए में पैसा लगाऊंगा तो कितना लग रहा है, 1 लाख, और बिजनेस बी में पैसा लगाऊंगा तो उसमें भी 1 लाख रुपए लग रहा है। दोनों में आज इन्वेस्टमेंट करूंगा तो 1 लाख। अगर मैं इसमें पैसा लगाता हूं तो मेरा अनुमान है कि ये 5 साल चलेगा और ये भी 5 साल चलेगा, ऐसा अनुमान है मेरा, ठीक। और इससे हर साल हम कमाएंगे 40,000 40,000 पांच साल। ये कब आने वाला पैसा? आज के फ्यूचर में, या फ्यूचर में क्या होने वाला इसका अनुमान लगाया जा सकता है? फिर तो चैप्टर खत्म हो गया, फिर तो टाइम पास ही कर रहा है। फ्यूचर में क्या होने वाला इसका अनुमान, कितना कमाने वाला? मैं देख लूं आप में हिम्मत है कि नहीं अनुमान लगाने की। किसी बच्चे का 9th का रिजल्ट है 80%, 10th का है 81%, 11th का है 77%, 12th का एग्जाम दिया है, मेरा अनुमान है कि 33% आएगा। बताओ मैं गलत कि सही? गलत। हाँ ना यार, बिल्कुल गलत। कैसे अनुमान लगा रहे हो? पास्ट का देख के, जो पास्ट में हुआ है वही तो होगा यार। तो वैसे यहां भी अनुमान लगा सकते। याद करो बचपन में मैडम पढ़ाती थी कॉस्ट डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ मशीन, फिर लिखते थे एस्टिमेटेड लाइफ 10 साल, और फिर एक स्क्रैप वैल्यू आती थी, सेल्वेज वैल्यू, वो क्या होता था यार? आज से 10 साल बाद की, जब वहां अनुमान लगा सकते तो यहां तो अभी तो लगा ही सकते हैं, ठीक है। क्या कुछ बच्चे पूछ लेते हैं, सर कैसे बोल सकते हो कि फ्यूचर में बोल सकते? तो 1 लाख रुपए लगाना है, हर साल कितना आएगा? 40,000 और इस प्रोजेक्ट में हर साल आएगा 25,000 पास। तो समझ के जवाब देना किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। गलत सुना, फिर से सुन दो। 1 लाख रुपए इसमें भी लग रहा, 1 लाख रुपए इसमें भी लग रहा। इसमें पैसा लगाता हूं तो हर साल आएगा 40,000 पास। इसमें भी 25 पांच साल तक किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया है कि कभी एग्जाम एमसीक्यूज वाला ए बी सी डी? तो एग्जाम में आया है 2×2 और ऑप्शन भी होते हैं उसमें ए बी सी डी। ध्यान से समझना मैं क्या कह कर। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा 11, तीसरा 22, 44। सबसे ज्यादा डेंजर बच्चे कौन से होते सुनो? 2×2 इतना इजी तो नहीं हो सकता यार, बस वही दिक्कत है भाई। एक बार बताओ मुझे, बोलो इसमें कितना आ रहा है? और इसमें करेंगे ए, मैं बोलता हूँ कि सीए की तरह सोचो तो पता नहीं आप कहाँ पहुंच जाते हो। आप नॉर्मल आम आदमी की तरह ही बात करेंगे, ठीक है। कौन से प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए? ए, खत्म कैपिटल, यही है कैपिटल, बस और कुछ नहीं, ठीक। तो लिखे इसमें क्या क्या पढ़ना,
नहीं पहले से चलो इसमें पहले डिस्कस कर ले कि क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट बेसिक्स, सेकंड रिप्लेसमेंट डिसीजन। अभी मैं क्या लिखवाऊंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप एक बार लिख दीजिए। थर्ड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। फोर्थ इन्फ्लेशन। फिफ्थ कैपिटल राशनिंग। सिक्स सेंसिटिविटी एनालिसिस। जितना भी टाइम लगेगा वो बेसिक्स में। क्या कैपिटल राशनिंग वापस आपको सीए फाइनल में पढ़ना है? यस, जो न्यू स्कीम आ रहा है उसमें कैपिटल राशनिंग फिर से वापस आ रहा है, ठीक है? तो याद रखना कि ये काम आने वाला है। ये भूल जाओ कि आप सीए इंटर दे रहे हो, आप सीए फाइनल के क्लास में बैठे हो, बस ऐसे समझ लो, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। हम जो प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए लगाते हैं कि लॉन्ग टर्म? लॉन्ग टर्म। किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हो तो एक साल से ज्यादा के लिए ही लगा रहे हो, ओके? तो वो लॉन्ग टर्म है। और उसका आपको मैं थोड़ा डायग्राम में करवाऊंगा और नोट्स भी ऐसे ही रहेंगे। उसका हमें इवेल्युएशन करना है, मतलब हमें डिसीजन लेना है, और डिसीजन लेने के लिए जो टेक्निक्स यूज होती है उसका नाम क्या है? कैपिटल बजटिंग। ठीक। और कैपिटल बजटिंग के अंदर कुछ मेथड्स होती हैं, अब मेरे साथ साथ बना लेना। ये डिसाइड करने के लिए कि प्रोजेक्ट ए करना है कि बी करना है, आपने तो बड़े आसानी से जवाब दे दिया, उतना आसान नहीं। उसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज की जाए, कुछ मेथड्स हैं। तो कौन कौन सी मेथड्स है उसको मैंने दो कैटेगरी में बांटा है। नॉन डिस्काउंटिंग मेथड, डिस्काउंटिंग मेथड। डिस्काउंटिंग क्या है अभी आपको कुछ पता नहीं है, वो धीरे से पता लग जाएगा कि क्या होता है डिस्काउंट। टोटल मिलाकर छह मेथड्स, टोटल मिलाकर। जैसे यार गुडविल पढ़ते हैं ना हम लोग,
तो गुडविल निकालने की भी मेथड्स होती है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटल, ऐसी ये डिसाइड करने के लिए कि प्रोजेक्ट ए करना है कि बी करना है, उसके लिए कुछ टोटल मिलाकर 6 मेथड्स हैं, इधर 2 आएगी और इधर 4 आएगी। फिर ये सब चीज समझाते हुए चलूंगा, पहले लिख रहे हैं कौन कौन से। फर्स्ट पे बैक पीरियड, सेकेंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, इधर आएगी 4। फर्स्ट डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड, इसको ना हम प्यार से पे बैक पीरियड ऐसे, और इसको क्या बोलते हैं प्यार से ARR। हम नहीं बोलते साहब, बुक में भी कभी कभी क्वेश्चन में लिखा रहता है ARR, तो आप कंफ्यूज मत हो। सेकेंड नेट प्रेजेंट वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं NPV। थर्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको बोलते हैं PI। एंड फोर्थ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहां से क्वेश्चन आते हैं, इस अटेम्प्ट में भी आया हूं, क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। बस अगर देखो मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको, बेसिक्स, अभी तो आगे पढ़ाया नहीं, आगे तो बहुत बड़ा है कैपिटल क्वेश्चन, लेकिन यार यहां से क्वेश्चन पूछता आपको, छोटे छोटे बच्चे उनका उसको पता है कि यार नए मतलब फाइनल में पहुंचो तो अलग बात है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा बड़े नहीं। मैं एग्जाम्पल के थ्रू सारी बात करूंगा। हम अभी ये मैंने कुछ नहीं समझाया कि ये क्या चीज है, नॉन डिस्काउंट और डिस्काउंटिंग, मैं यहां से स्टार्ट करूंगा, ये स्टार्ट करूंगा। जब यहां पे आऊंगा ना तो आपको ऑटोमेटिक डिस्काउंट इनका अंतर समझ में जाएगा कि क्या अंतर है। अगर मैं कहूं टोटल मिलाकर कितनी मेथड्स है, 6। स्टार्ट कहां से करूंगा, फर्स्ट से, तो लिखोगे पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड। दो तरीके हैं, या तो आपको लिखवाऊं जो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, मेरे साथ साथ लिखते जाओ, एग्जांपल से पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे कि पे बैक पीरियड क्या है। एग्जांपल नंबर 1, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट, एग्जाम्पल सब काम आएंगे आपके, मेरे साथ साथ लिखना एग्जाम्पल। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एक लाख और 120,000,
लाइफ पासा और इसका भी पासा। मुझे ये डिसाइड करना है कि किस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना। तो और कुछ मैं आपको बता देता हूं, कैश फ्लो भाई 5 साल चलाऊंगा तो कितना पैसा आएगा ये तो मैं आपको जब तक नहीं बताऊंगा आप डिसाइड नहीं कर सकते। अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाता हूं तो हर साल आएगा 25-25। अगर इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाऊंगा तो हर साल आएगा 40-40। Which project should be accepted? कॉमन सेंस लगाए कि पहले जो इंस्टीट्यूट बोल रहा वो पहले कॉमन सेंस लगाते ज्यादा अच्छे। बी वजह अच्छा ये बात है, आपने एक मेथड यूज किया है मालूम है आपको, आप कोई मेथड इसमें से ये यूज नहीं कर रहे पर आप कोई ना कोई मेथड यूज कर रहे। इनका ये कहना है कि सर यहां देखो ना यहां 40-40-40-40 2 लाख रुपए टोटल मिलाकर 2 लाख माइनस कर दो 1-20 तो भी 80,000 बचा रहा है और यहां 1-25 माइनस 1 लाख तो 25,000 बचा रहा है तो कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहिए? बी। आप एक टेक्निक यूज कर रहे हैं, अब मैं वो वाली टेक्निक, अब मैं इंस्टीट्यूट क्या बोलता है उसके हिसाब से सुनो ना, ध्यान से मैं जो बोल रहा हूं आंसर देना सोच समझ के। यार पैसा कितना लग रहा है, ये 1 लाख रुपए मेरा गया, ये 1 लाख रुपए कितने साल में मेरा रिकवर हो जाएगा, कितने 4 साल में, यहां कितना जा रहा 1-20, ये कितने साल में पैसा वापस आएगा 3 साल, क्या ज्यादा अच्छा है 3 साल में पैसा ज्यादा कि 4 साल में 3, उस हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है? वो जो निकाल रहे हो ना आप 4 साल और 3 साल उसी का नाम है पे बैक पीरियड। वैसे निकाला कैसे 4 साल, आपको पता है आईसी मॉड्यूल खोलोगे ना एक फॉर्मूला लिखा हुआ है 1 लाख डिवाइडेड बाय 25। हाँ देखो आपने सही लगाया पर वही फॉर्मूला तो मैं लिखवाना पड़ेगा मुझको, ठीक तो एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड। कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड और मैं फॉर्मूला लिखवाने जा रहा हूं पे बैक पीरियड इज तो ऐसा लिखा हुआ है यार इनिशियल इन्वेस्टमेंट, इनिशियल का मतलब समझ रहे हो ना आज कितना लगे ठीक डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। अगर मैं बात कर रहा हूं प्रोजेक्ट एक, एक लाख डिवाइडेड बाय 25,000 4 साल, एक लाख 20,000 डिवाइडेड बाय 40,000 3 साल, कौन सा करेंगे बी क्यों?
लोअर इज बेटर, हाँ जल्दी रिकवर हो जाए ऐसा, पर यहाँ एक लाइन लिखना पड़ेगा, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड, हाँ खत्म, 8 नंबर मिल गया आपको, प्रोजेक्ट बी शुड बी एक्सेप्टेड। क्यू टू लोअर पेबैक पीरियड, क्या ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा? नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंस है, मैं जानता हूं आपके ग्रुप के एक भी बच्चे को याद नहीं था ये फॉर्मूला, एक को भी याद नहीं था, वो लोग भी ऐसे जुगाड़ लगा रखा, सच पता तो था पेबैक पीरियड क्या होता है, वो 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, पर एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें फॉर्मूले की जरूरत थी, मैं कह याद करो पेबैक, सर याद ही नहीं कोई फॉर्मूला होता था, आपको भी देखूंगा अभी, अभी कुछ दिनों में पता लगे। एग्जाम्पल नंबर वन हुआ, एग्जाम्पल नंबर टू, अब आपका नंबर, ठीक अब आपका नंबर है, ठीक एग्जाम्पल नंबर टू, अब से पेबैक पीरियड बताना, डिसीजन तो पता लग गया कि जिसमें जल्दी आएगा उसको, अच्छा देखोगे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, हर एग्जाम्पल में कुछ बात रहेगी है ना, 1,25,000, कैश इनफ्लोस 1, 2, 3, 4, मान लो 4 ही साल का प्रोजेक्ट है, 45,000, 45,000, 45,000, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, डिवाइडेड बाय 45,000 कितना आ गया, 2.778 ईयर्स। कभी कभी मंथ्स में भी आंसर है, मैं बता दूंगा कब मंथ्स में करना था, 2 साल कुछ महीने मंथ्स ना, तो 0.778 ईयर का मतलब कितना मंथ्स, सिंपल ईयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे ईयर्स चलेगा पर हमें मंथ में भी तो कह सकते, 2 ईयर्स एंड मंथ्स में बताओ कितना, 2 ईयर्स आपसे पूछ ले रहा हूं, 1.30 आवर्स मतलब 1.5 घंटा, ये 1.5 घंटा कि ये 1.5 घंटा है, मतलब 1 घंटा 30 मिनट है, या पैसा बोल ये 1 घंटा 30 मिनट, हाँ मैंने 1 पॉइंट, सुनो बच्चे ऐसा नहीं लिखा और एक डॉट नहीं, 1.3 लिखा, नीचे वाला 1.5 घंटा है ना यार, क्या बात कर, डराने का काम करते हो, ठीक है, ये जो फ्रैक्शन है ना इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते सबसे अच्छा, 0.778 × 12, मतलब 9 मंथ्स अप्रोक्स, जरूरत नहीं पड़ती पर क्या है कि यार वैसे तो इसी में आंसर देना है, पर कभी जरूरत पड़ जाए तो हमको मंथ्स में कन्वर्ट करना, टोटल 2 एग्जांपल हो गए,
अब आप कर लोगे, एक क्वेश्चन तो आपको करना, ये भी मैंने ही बताया, अगर देखा जाए नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल। देखो एग्जांपल नंबर 3, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, दो लाख, लाइफ पासर, कैश इनफ्लोस, फर्स्ट ईयर में आ रहा है 50,000, सेकेंड ईयर में आ रहा है 80,000, थर्ड ईयर में आ रहा है 70,000, फोर्थ ईयर में आ रहा है 20,000 और फिफ्थ ईयर में आ रहा है 25,000। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, फॉर्मूला नहीं लगे। कुछ बच्चे मालूम है क्या बोल रहे थे मुझे, मुझे तो सब पूर्व का जो लास्ट बैच पढ़ाया ना, इतना उड़ाऊंगा मैं यहाँ। अब सुनो वो क्या बोल रहे हैं। बोलते सर सुनो ना, एक काम करते हैं, एवरेज कर लेते हैं ना, और सुनो दिमाग देखो उन लोगों, एवरेज कर लेते, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो निकल जाएगा, फिर 2,00,000 डिवाइडेड बाय वो कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। मतलब जब पता यार, पहला जो एग्जाम्पल था उसमें भी तो आपने ऐसे ही किया था, नॉर्मल फॉर्मूला तो मैंने बताया आपको, हाँ इसलिए वो फॉर्मूला चल गया, इसमें फॉर्मूला चल नहीं सकता। तो इसमें ना एक प्रेजेंटेशन कैसे करे, तो इसमें एक टेबल बनाना होगा, मेरे साथ साथ बनाओ। हाँ पर क्या करें, यही तो सीए है, नंबर भी मिलेगा ना बच्चे, कैलकुलेशन और सबसे पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे कैश फ्लोस, और फिर आएगा क्यूमुलेटिव कैश फ्लोस, बोलो पहले साल कितना आ रहा है यार, 50,000, तो हमारे पास जमा कितना हो गया 50, सेकंड ईयर में कितना आ गया 80, तो टोटल कितना जमा हो गया 31, और थर्ड ईयर में कितना आ गया 70, तो टोटल कितना जमा हो गया 2,00,000, तो आगे जाना ही नहीं, hence payback period is 3 years, सब क्वेश्चन आप बनाओगे यार, सब सारे क्वेश्चन मैं ही बनाऊंगा तो कैसे चलेगा, ठीक फाइन, नहीं इस बार ऐसे वाला दे रहा। एग्जाम्पल नंबर 4, ये समझ लो ये कॉपी जो है ना फाइनल में काम आने वाली है आपकी, बस इतना समझ। कॉस्ट प्रोजेक्ट 2,50,000, लाइफ पासन, कैश फ्लो 1,00,000, 1,00,000, 1,20,000, 80,000, 30,000, 20,000। कुछ मत बोलना कि सर इतना और कुछ, ऐसा नहीं चलेगा है ना, मुझे अमाउंट में मतलब इयर्स में चाहिए।
पहली बात, फॉर्मूला लग सकता है क्या? ये तो पक्का है कि फॉर्मूला हमको टेबल ही बनाना पड़ेगा, ये तो पक्का होगा। बीच में वो बीच ही निकालना है बस। हाँ ऐसा कुछ हमें चाहता हूँ आप। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ग्रुप वन भी याद नहीं है ना। हाँ मैं यूज करूँ। हाँ मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं सारी चीजें पढ़ाऊंगा। निकालें यस कैश फ्लोस और क्यूमुलेटिव कैश फ्लो। फर्स्ट ईयर कितना आ रहा है? 1,00,000। तो टोटल हमारा ईयर टू टोटल आया 1,20,000, तो टोटल मिलाकर हो गया 2,00,000। ईयर थ्री में 80,000, तो टोटल यार ये कितना पहुंच गए हैं? मतलब यार 2 साल से ज्यादा और 3 से कम। मेरे पास फॉर्मूला है पर फॉर्मूले में मैं बहुत ज्यादा फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, लॉजिक पहले फिर फॉर्मूले। अगर मैं कहूं 2 साल तक तो हमारे पास पैसा आ चुका है 24, और अगर मैं कहता हूं साल भर काम करते हैं 80 कमाएंगे, 12 महीने काम करेंगे तो 80 कमाएंगे, पर हमको 12 महीने काम ही नहीं करने हैं, हमको कितना कमाना है? हमको तो सिर्फ 50,000 कमाना है। तो कुछ ऐसा जुगाड़ हो जाए, मंथ में हो जाए या फिर ईयर में हो जाए, 80,000 कमाते हैं 1 साल में, तो 50,000 कमाएंगे कितने में? बचपन में पढ़ते थे कुछ यूनिटरी मेथड वगैरह बोलते हैं उसको, मंथ्स। 80,000 कमाते हैं मंथ में करना है कि ईयर में? वन ईयर में, वन कर देता हूं, ईयर्स में कहीं काम करेंगे, वन ईयर। तो 50,000 कमाएंगे कितने इयर्स में? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है याद है ना, ऐसा कुछ करते थे। 50,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 80,000, आंसर उतना ही आएगा। 50 डिवाइडेड बाय 80 तो आंसर कितना आ गया? 0.6, और 2 साल तो लगेगा, तो 2.6 इयर्स है ना यार, 2 साल तो लगे ना, 2.6 इयर्स। पर इसको यार यूनिटरी मेथड करोगे तो मजा नहीं आएगा, मानो वो तो बच्चों वाला काम हो जाएगा। हमें दिखाना कैसे पड़ेगा सर, बस ये बताओ। देख ध्यान से देखना मैं कैसे करूंगा। 2 साल तो लगेगा प्लस ये ईयर लिखा है ना, याद रखना कि ये जो करवा रहा हूँ ये IRR करके एक टॉपिक है उसमें काम आ गया है। ईयर्स लिखा है ना, तो ऊपर में ईयर्स ही लिखूंगा, वन ईयर डिवाइडेड बाय कितना? 80,000। तो मुझे चाहिए कितना? 50। आंसर आ गया 2.6। हम लोग तैयार हो चुके हैं लिखने के लिए यार। पे बैक पीरियड होता क्या, काफी कुछ हमको समझ में आया।
तो नोट्स होना जरूरी है। हाँ बस, नहीं नहीं बस यही शो करोगे कुछ। ठीक है टू, फिर उसका ऐसे लिखना पड़ेगा टू ईयर्स 7.5 मंथ्स, इस तरह से लिखना, वो भी चल जाएगा। अधिकतर हमारा इंस्टीट्यूट ईयर्स में दिखाता है सॉल्यूशन, इसलिए हम ईयर्स में कर, जैसे सीए में इंटर के बच्चे हैं ना, उनको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो उनको मंथ्स भी दिखा देता है, इसलिए हमको दोनों सिखाना पड़ता है, बाकी ईयर्स में करते कोई दिक्कत नहीं। तो पे बैक पीरियड पर थोड़े बहुत नोट्स लिख लेते हैं, काम आएगा। देखोगे पॉइंट नंबर वन, अब पे बैक पीरियड पर कुछ बातें लिख रहा है, ऊपर पे बैक पीरियड तो हेडिंग डली हुई है, बस नोट्स लिख रहे। पे बैक पीरियड इज द टाइम within which investment in a project is recovered। payback period कुछ नहीं है, हमको time निकालना, period निकालना जिसमें हमारा पैसा recover हो जाए। पॉइंट नंबर टू, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, दो अलग अलग सिचुएशन है। वन, इफ cash inflow in each year equal, हर साल का कैश फ्लो बराबर हो तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यस, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था यार हमारा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लोस। अब लिख रहे हो ना तो थोड़ा समझ में भी आ रहा। केस नंबर टू, इफ cash inflows are in unequal amount, then calculate cumulative cash flows to find out payback period। पॉइंट नंबर थ्री, कैलकुलेशन हो गया, मीनिंग हो गया, कैलकुलेशन होगा। थर्ड, डिसीजन पेबैक पीरियड में कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करते हैं जिसमें पैसा जल्दी, अर्लियर इज बेटर।
अर्लियर इज बेटर, जिसमें जल्दी पैसा रिकवर होगा वो हमारे लिए अच्छा। बना लोगे? ठीक है, एग्जांपल और नहीं करवा रहा हूँ मैं, जानता हूँ अभी क्वेश्चन बनाएंगे ना हम हमारे मॉड्यूल के, तो हो जाए। अब सुनो, काम की चीज है भाई, अभी बात अधूरी थी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कितना है? 2.5 लाख। हर साल आएगा कैश इनफ्लो कितना? 1,01,20,80। ये कैश इनफ्लो मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। जैसे मैं किसी चीज का बिजनेस कर रहा हूं, मान लो क्या इसका बिजनेस कर रहा हूं, मैंने इसमें पैसा लगा दिया मशीन में 2.5 लाख, मशीन ही मान लो 2.5 लाख रुपया लगा दिया, मशीन आ गई। अब मैं कैलकुलेटर बनाते जा रहा हूँ, हर साल बेचूंगा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, वो तो हो गया सेल्स। तो कैश इनफ्लो का मतलब बेचने से जो पैसा आएगा वो, कि बेचकर इसमें जो खर्चा लगा वो काटेंगे उसके बाद जो पैसा बचेगा वो। एक्चुअली कैश इनफ्लो का मतलब क्या है? एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, बिल्कुल। तो कैश इनफ्लो, इनफ्लो है, कैश इनफ्लो का मतलब सर जो माल बेचोगे और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है सब माइनस करने के बाद नेट मेरे पास कितना बचेगा वो कैश इनफ्लो। तो उसको प्रॉफिट बोल सकते हैं क्या? अब प्रॉफिट भी बड़े टाइप के होते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता, ये भी समस्या है। बिफोर टैक्स लेना कि आफ्टर टैक्स लेना, आखिर ये है क्या चीज, ये समझना है मुझे। कैश इनफ्लो का मतलब होता है नेट कितना बचा, पूरा खर्चा काटो तब सब माइनस करने के बाद। तो क्या टैक्स भी देना पड़ेगा? टैक्स भी तो एक्सपेंसेस है। तो सब भाई पैसों की बात करो, मुद्दे की बात है पैसा। मुझे नहीं मालूम कि एक्रुअल सिस्टम क्या है और ये, वो मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है पैसा मेरे पास हर साल कितना बच रहा है, और बचेगा कैसे? माल बेचा, उससे जो पैसा आया उसमें से जो खर्च है सब काट दिया, टैक्स भी माइनस कर दिया, उसके बाद नेट जो बचा हुआ है मेरा, ठीक। तो सर उसको निकालते कैसे? उसका एक फॉर्मेट है, तो एक वर्किंग नोट है, मेथड नहीं है ये, मेथड तो पे बैक पीरियड ही चल रहा है, कि कैश फ्लो कैसे निकाला जाए, ठीक। तो लिखे लिखोगे नोट, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो। जैसे कंसोलिडेशन चैप्टर है शायद, है कि नहीं आप लोगों को, पहले फाइनल में, उसमें एओपी बड़ा मेन, एओपी एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करते थे ना, उसके बिना बैलेंस शीट कुछ नहीं बन सकती। वैसे ही कैपिटल वेस्टिंग में ये है, इसके बिना आपका कैपिटल वेस्टिंग नहीं हो सकता। तो सबसे पहले लिखा जाता है सेल्स, साल भर में कितना माल बेचा, इसमें से माइनस किया जाता है एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट, ऐसा लिखूं तो ज्यादा, वेरिएबल कॉस्ट समझते हो ना? हाँ सुनो, पिछले बार बच्चे को क्या हुआ, उनका, अच्छा ये बताओ डेप्रिसिएशन वेरिएबल होता है कि फिक्स है? डेप्रिसिएशन भी तो कॉस्ट ही है, वेरिएबल है कि फिक्स है? तो किसी बच्चे ने कहा सर SLM की WDV, SLM है तो SLM या WDV, किसी ने मुझसे पूछा सर SLM मेथड पर सर डेप्रिसिएशन तो WDV तो चेंज होते रहता है, तो डेप्रिसिएशन फिक्स की वेरिएबल,
नंबर ऑफ यूनिट्स कितना भी बनाओ डेप्रिसिएशन तो उतना ही लगेगा, तो डेप्रिसिएशन फिक्स होता है। सर आप क्यों घुमा रहे हो? माइनस फिक्स कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। हाँ मैं मुद्दे की बात करूंगा, पैसा, पैसा तो जा नहीं रहा तो क्यों माइनस करे जी, बेकार। तो सारे खर्चे माइनस कर दिया, टैक्स अभी माइनस नहीं किया हालांकि, तो इसका नाम क्या आएगा? पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते समय तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करते। हाँ इतना बड़ा नाम, हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं सी एफ, मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसको नाम प्रॉफिट बोलना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैंने कैश फ्लो, सी एफ बी टी मतलब कैश फ्लो बिफोर टैक्स। चलो आप जैसे बोलो यार, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। बस तो ये क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हाँ लिखो 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 लिखो, लिख रहा है लिख रहा है, आप डर। अच्छा पहले पहले मैं लिख लेता, बताओ यार कॉपी कटनी नहीं चाहिए। माइनस क्या करेंगे टैक्स खुश, तो ये क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आप दुखी किस बात से हो, लिखना क्यों बंद कर दिए? यहाँ माइनस कर दिया क्या, चलो प्लस कर देता हूँ खुश। हाँ मैं बात कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सुनना सुनना ध्यान से समझना मेरी बात। ये सब कर लिया मैंने, फिगर लेके करते, ये बीटी आया 2,00,000, डेप्रिसिएशन है 50,000, बताओ क्या इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है? नहीं भी नहीं हुआ है ना, नहीं हुआ। टैक्स का रेट है 30%, टैक्स का अमाउंट बोलो। दिक्कत ये है ना, अगर आप 2,00,000 पे टैक्स लगाओगे ना तो इनकम टैक्स वाला तो भगा देगा, कहेगा कुछ भी बात कर रहे हो। हाँ ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में। अब यार हमको टैक्स का अमाउंट चाहिए ना, और वो निकालने के लिए तो हमें मजबूरी में डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ा, और फिर हम ऐड बैक कर दे रहे हैं, बस और कुछ नहीं, बाकी और कोई लॉजिक नहीं। हाँ हाँ मैं लिखने दे, ऐसे बच्चे आजकल टीचर भी ट्रस्ट नहीं करते। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, वही है कॉस्ट और एफएम तो एक ही चीज। पहले एक साथ, धीरे धीरे एफएम कम कर रहा है, फाइनल में डाल रहा है पूरा की पूरा फाइनल। हाँ कर सकते थे, पर एग्जाम में ना आपको कहेगा बच्चों हम परेशान नहीं कर रहे, हमको ये, हम आपको ये दे देते हैं। हाँ और आपको ना, आपको 99% जो है वो ये सब नहीं देता, यहाँ वो सीएफबीटी से स्टार्ट कर, फिर आप खुद ही फंस जाओगे, इसलिए मैंने प्यार से सब अलग अलग करवा। तो मैं भी एक बार चेक तो करूंगी, मैं आपको सीएफबीटी दे देता हूँ और आपका काम रहेगा सीएफटी निकालना, कि एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा टारगेट से सेट कर लेते, एक टारगेट मेरा टारगेट है कि मैं आपसे गलती करवाऊं और आप बच के निकलो, बस इतना। और गलती होती है एग्जांपल नंबर
मैं आपको यही दूंगा सीएफबीटी और आपको निकालना रहेगा सीएफएटी। ठीक है, सीएफबीटी 2 लाख, टैक्स का रेट है 30%, डेप्रिसिएशन 20%, क्या निकालना है आपको सीएफ जब मैं रिवीजन करवा रहा था। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, जब मैं कॉपी हाँ तो सुनो ना बच्चे, 2 लाख पे डेप्रिसिएशन निकलता है, डेप्रिसिएशन तो इस पे निकलता है, मैं पिछले बैच की बात कर रहा हूँ, आप समझते हैं 146। अब चेक कर लेते, तो सी एफ बी टी 2 लाख माइनस क्या करेंगे यार, और बाकी उन बच्चों की जब मैंने कॉपी देखा तो यार मैं हैरान रह गया, उन्होंने 2 लाख पे 20% निकाला। तो ये आ गया हमारा पीबीटी 81, टैक्स कितना परसेंट है 30%, 54,000। तो ये आ गया पेट, माइनस 54,000, 1,26,000 प्लस क्या करोगे डेप्रिसिएशन कितना 20, हाँ बिल्कुल सही 1,46,000। हाँ तो मतलब अभी तक मैंने अधूरा क्वेश्चन दिया था, अब मैं आपको ये दे दूंगा और फिर आपको सीएफटी निकालना, तो पे बैक पीरियड निकालना पड़ेगा। चले आगे, एग्जाम्पल नंबर 2, इस बार कॉस्ट ऑफ मशीन पहले ही देते देता हूं, कॉस्ट ऑफ मशीन 1,10,000, लाइफ 5 साल, स्क्रैप वैल्यू या सेल्वेज वैल्यू 10,000, सीएफबीटी 20,000, टैक्स 40%, सीएफबीटी क्वेश्चन मार्क, पहला आंसर आ गया मेरे पास 50,000।
70 अच्छा डेप्रिसिएशन एसएलएम मेथड से निकाला है डब्ल्यूडीबी सर वो तो हमने सोचे ही नहीं तो अगर क्वेश्चन में कुछ कहा ना चाहे तो कौन सी मेथड लगाओगे हाँ जो डेटा दिया उसके हिसाब से तैयार एसएलएम डेप्रिसिएशन कितना आया 20,000 तो पीबीटी आ गए यार 50 तो टैक्स कितना 40% 30,000 तो ये आ गया हमारा 30,000 इसको हम क्या बोल रहे हैं पैट वापस क्या ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन 20,000 तो कितना आ गया 50 ठीक है एग्जाम्पल नंबर 3 मैं बस अभी मॉड्यूल के क्वेश्चन नहीं बनना है अभी लायक ही नहीं हुए 1-2-3 क्लास तक तो आप छू भी नहीं पाओगे हाँ मतलब बुक से ही करवाऊंगा मैं इससे बुक तैयार हूँ इजी वाला दे रहा हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन ₹2,20,000 5,000 सैलवेज कितना 20,000 और डेप्रिसिएशन का रेट है 20% पर एनम एसएलएम चलो ठीक टैक्स का रेट ले लेते हैं 30% सीएफएटी क्वेश्चन मार्क सीएफबीडी कितना है 85 बस यही तो दिक्कत है मतलब 2,20,000 इंटू 20% 2,20,000 माइनस 20,000 फिर जो बचेगा उसका 20% सैलवेज वैल्यू माइनस करना है कि नहीं करना बचपन का है ये मालूम है बचपन का कॉन्सेप्ट है देखो ये जो रेट निकलता है ना यार ये जो रेट कैलकुलेट होता है ना वो सब सैलवेज वैल्यू सबको कंसीडर करते हुए होता है इट मींस जब भी रेट दिया रहे चाहे वो एसएलएम मेथड है चाहे डब्ल्यूडी जब भी रेट दिया रहेगा तो डेप्रिसिएशन निकालते समय सैलवेज माइनस नहीं ये आ जाएगा 40 पीबीटी आ गया 41 था टैक्स का रेट तो 30% है 12,300 तो पैट आ गया 28,700 प्लस आ जाएगा डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 44,000 22 सी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स
एक छोटी सी गलती से पूरा नंबर कट सकता हूँ। सुनो, 8 नंबर का तो यार मैं सीए फाइनल पढ़ा रहा हूँ, मुझे सीए फाइनल याद है। ये इंटर में तो 10-10 नंबर का एक एक क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन 5-5-5-5 है, फिर 10-10 नंबर का एक एक क्वेश्चन है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। हाँ ना यार, इधर अगर आपने यही गड़बड़ कर दिया तो पूरा खेल खत्म हो। हाँ नहीं, उनको पता होगा बच्चे यहाँ गलती करेंगे ना, करवा दे। चलो ना देखते, मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन दे दिया था, एक सिंपल वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ एग्जाम्पल। हाँ अब ये पक्का आप भी क्या याद करो, एग्जाम्पल नंबर 4। सीएबीटी Depreciation. ये लो यार, आप भी क्या यार, 22,000। इसी में दिक्कत हो रही थी ना, दे दिया। ये लो आप भी क्या याद रखोगे, 30,000 ये भी निकल गया। इसे सिंपल क्वेश्चन नहीं दे सकता पूरी, इसे सिंपल नहीं, 42,000। क्यों यार, टैक्स के फिगर के लिए तो हम सब काम कर रहे हैं, और मैंने तो दे दिया है, तो सीएफबीटी माइनस टैक्स तो आ जाएगा सीएफएटी। ये एक्चुअल में कॉन्सेप्ट देखो, रटा हुआ तो यार फिर तो डेप्रिसिएशन क्यों जबरदस्ती टाइम पास करें। पास बाद में ना, बहुत सारे बच्चे मुझसे बोलते हैं सर डेप्रिसिएशन माइनस करके क्यों प्लस कर रहे हो, टाइम पास क्यों कर रहे हो। टाइम पास नहीं, मैंने आपको लॉजिक दिया है, उस लॉजिक को आपको यहां यूज करना है। तो सीएफबीटी आ गया 72,000 माइनस, सीधा क्या कर देंगे टैक्स 30,000, तो टोटल कितना आ गया 42। एग्जाम में बाकी क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं तो इसको टाइम पास कर सकते हो, अगर टाइम नहीं है तो, और क्या ऑप्शन ही नहीं बचे। मेरे ख्याल से आप पूरी तरह से आप तैयार हो, बस एक एग्जांपल और हैंडल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगला एग्जांपल है, थोड़ा सा डर लगता है। एग्जांपल नंबर कौन सा है, 5। कॉस्ट ऑफ मशीन एक लाख, डेप्रिसिएशन 20% पर एनम, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो आपको पता है, टैक्स 30%, सीएबीटी 15,000। प्रॉफिट होता है तो टैक्स पे करते हैं, लॉस हुआ तो टैक्स वाला हमको पैसे दे, मतलब टैक्स वाला हमको पैसे दे। क्या बात कर रहे हो यार, क्या कह रहे हो मुझे जरा बताना बच्चे, ऐसे थोड़ी
मुझे बताओ सीएफबीटी कितना दिया यार? 15,000, ठीक है 15,000। माइनस क्या करोगे? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 20,000। तो यहाँ जो आ गया ये आ गया पीबीटी 5,000। क्या ये नेगेटिव है? यस। तो क्या माइनस करोगे इसमें से? टैक्स। पक्का? ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट होता तो हम टैक्स वाले को देते हैं? पक्का ना यार? पक्का। चलो ठीक है, सुन नील नहीं होगा ना, बस वही समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा ये मानना है कि हमारा सिर्फ एक ही बिजनेस नहीं होता, जनरली ऐसा ही होता, चाहे बड़ी बड़ी कंपनी की बात करो उनके बड़े सारे प्रोजेक्ट चलते रहते, और एक कॉन्सेप्ट आता सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड। टैक्स में एक सेट ऑफ होता है कि मेरा मान लो किसी और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी और बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा होगा, मन से आप कुछ भी लिख दो 60,000, मन से लिखा, और इसको भी अलग सेपरेट लेते, तो इस 60,000 पे मुझे कितना परसेंट टैक्स देना हो रहा था? 30%। तो 60,000 का 30% कितना होता है? 18,000। लेकिन अगर ये लॉस हो रहा तो इस लॉस की वजह से मैं कुछ फायदा कमा सकता हूं, इसमें 60,000 में से 5,000 में सेट ऑफ कर सकता हूं, तो टोटल अब मुझे प्रॉफिट कितना होगा? 55,000। अब 55,000 का ही 30% टैक्स देना होगा तो बोलो कितना आ रहा है? हाँ, डिफरेंस 55,000 × 30% 16,500। पहले अगर मैं इस लॉस नहीं हो रहा था तो मैं 18,000 रुपए टैक्स दे रहा था, अब लॉस हो रहा है इस बिजनेस से तो यार मुझे 16,500 टैक्स देना, तो यार मेरा टैक्स बच रहा है ना भाई, कितना बच रहा है? 1500 रुपए टैक्स बच रहा है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि यार 5,000 से मेरा कोई फायदा नहीं? फायदा है, और किस चीज का फायदा है? टैक्स का, टैक्स का फायदा है। इसको बोला जाता है टैक्स सेविंग्स, टैक्स सेविंग्स हो रहा है एक प्रकार से। तो ये 1500 निकालोगे कैसे? 5,000 का 30% सीधा। ये सर सग हम कहां से लाएंगे ये जमाने भर की चीजें, जरूरत ही नहीं है। 5,000 का 30%, ठीक। अच्छा 5,000 का 30% चाहिए सबसे पहले, यहाँ टैक्स जीरो लिखो कि 1500 लिखो? 1500। ऐसा लिख दो 1500, या टैक्स सेविंग्स करके लिखो जैसा आप बोलोगे, ऐसा चल जाएगा ना आपको? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, ये समझता है ना अच्छे से? ठीक, तो ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना? 1500 बच रहा है, तो नेट लॉस अब मेरा 5,000 नहीं रहा, मेरा 3,500। सुनो ना यार, सुनो सुनो सुनो, बोलो ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा ना, माइनस 3,500 प्लस करोगे डेप्रिसिएशन 20। अच्छा यही लाया था कि आपने, मानना पड़े सीएफटी। भैया मैं बताऊं, इसके अलावा भी हम ऐसे सोच सकते हैं, देखो यार ये 15,000 तो मिलेगा मिलेगा टैक्स माइनस करते, पर यहाँ टैक्स मेरा दे थोड़ी ना रहा हूं, ये भी तो मेरा फायदा ही है, तो 15,000 ये और 1500 ये, 15,000 + 1500 16,500। हाँ पीबीटी के बिना काम नहीं हो, पीबीटी तो पता हो।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं कि यहाँ काम आने वाला है, ये बाकी और चैप्टर्स में भी काम आएगा कि यार टैक्स सेविंग्स कैसे होता, तो वो मैंने एक रफली नॉलेज दिया कि टैक्स सेविंग्स किस तरह से। आज जो क्लास है ना, आज ज्यादा टाइम तक मेरा आज 1.5 घंटे मतलब 4:30 तक क्लास रहेगी, कल से पूरा 2 घंटे हम क्लास किया, ठीक, कल से पक्का 3 to 5 रहेगी, ठीक है। मैं तो बताऊंगा कि आज क्यों मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्लास, कल से 3 to 5। रिवीजन कुछ करना नहीं है आपको, कुछ इसको कुछ घर से कुछ रिवाइज विवाइज करके नहीं आना है, जो आपको होमवर्क दिया जाएगा बस उतना ही करना, सफिशिएंट, ठीक है। थैंक यू।